दरवाजा भी लॉर्ड्स में खुलेगा। मोहम्मद आमिर कौमी टीम के हमराह इंग्लैंड रवाना हो गए हैं। फास्ट बॉलर ने करियर के 6 कीमती साल जाया कर दिए। वो कहते हैं कि जहां से सिलसिला टूटा था आज भी वहीं से करने जा रहे हैं, कभी नहीं सोचा था कि वो कमबैक करेंगे। तो मोहम्मद आमिर पर स्पॉट फिक्सिंग का धब्बा लॉर्ड्स में लगा था और अब वहीं से धुलेगा। टेस्ट क्रिकेट में वापसी का दरवाजा भी लॉर्ड्स में ही खुलेगा। फिक्सिंग स्कैंडल पर सजा और पाबंदी का सामना करने वाले मोहम्मद आमिर अपने टेस्ट करियर का आगाज लॉर्ड्स के इसी मैदान से करेंगे जो उनके करियर पर फुल स्टॉप साबित हुआ था। ये महज इत्तफाक है या खुशकिस्मती? आमिर का ख्याल है कि वो बेइंतहा खुशकिस्मत हैं जो उन्हें अपना नामुकम्मल काम मुकम्मल करने का मौका मिला। मोहम्मद आमिर ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि करियर के 5 कीमती साल जाया होने पर उन्हें बहुत अफसोस है, लेकिन इंसान गलतियों से सीखता है और उन्होंने भी अपनी गलती से बड़ा सबक हासिल किया। वो पहले से बहुत बेहतर खिलाड़ी बनकर लौटे हैं। फास्ट बॉलर ने कहा है कि वो क्रिकेट में शानदार कमबैक कर चुके हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वापसी उनके लिए अहम है। मोहम्मद आमिर ने अज़्म जाहिर किया कि उनका मकसद पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करना है और वो इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मोहम्मद आमिर का कहना था कि वो इंग्लैंड से नई यादों के साथ वापस आना चाहते हैं।